को बदनाम नहीं करना है, न तेरे बिना जीना है न तेरे बिना मरना है। यूजीन, जब तुम ठीक हो तो बाहर सब मुंह लग करके क्यों खड़े? तुम लोग तोरा के सरफराज दिल चाहत होई। अगर ऐसी बात है तो मैं भी सबको सरप्राइज दूंगी। भर तू मेरी मांग। तुम काले शामी या वृद्ध बालकादिकम यथा लब्धेन संतुष्टा हते कन्या द्वितीय। ये सोचने का नहीं, हमारे मिलन का वक्त है। दुखे दीरा सुखी रिश्ता सुख दुख विभागिनी नामं परतरं गच्छे पंचमी सागर विपति। तनी सबर करो, इतना का बेचैन बड़ू हो? अरे एकदम तड़पा था भीतर माल बाहर निकले खातिर। अबे जल्दी भर, ऐसा कुकर सीटी देता। हाँ जल्दी भर, अबे जल्दी भर। लोटा धो, लोटा धो, बेटा दिलाई धली, लोटा धो। उस्ताद, हाँ एंटीबायोटिक सोच बा। अरे तो फिर एक मिनट। बॉस, पीछे की स्थिति खराब हो गई का? नहीं बे, अब इन तो खाली हवा छूटला हवा। अबे ये कातिल हसीना के उस्ताद आही उहे हिरोनिया हिया काजल रागवानी जकरे प्यार में रजवा पगलाइल रहेला। तब ते कर बलात्कार हम करब। ओके बॉस, आओ तनी गलवा से गलवा सटा ली उस्ताद, चुम्मा ले ली। अब तू कहता रहे तो चुम्मो ले। गलतारू ऐसे जैसे सरसों की सगिया, यहाँ काम ना चली, इनके घर लेके चले क्यों पड़ी? ये बॉस तरफाड़े के गलती मत करी। हाँ न त राजा भैया तहार उठा फार दी। हाँ भाड़ा का ठेका तो खाली हम ही ले ले बानी। गुंगरू पंडित और हल बात रजवा के तो बोला बहुत पुराना हिसाब किताब बा, आज पूरा प्लस और माइनस हो ये जा। हाँ तो दस मिनट रुक जा, फिर देखा। जैसे दस के सुई ग्यारह पे रुकी वैसे पोस्टर खाली। हाँ तो फिर अब टाइम देखा स्टार्ट करता। एक दो तीन राजा। रेडियो आज कौन सा नया समाचार प्रसारण करने वाला बड़े? सुन के तहार माथा पे भूचाल आ जाई काकी। काहे? सलमान खान ब्याह कर ले लस्का। अरे ना काकी, तहार बेटा जौना हीरोइनी संग ब्याह के सपना देखा तारे ना। हाँ। ओकर बेइज्जती होके वाला बा। राजा बॉस, बॉस 11वां मिनट में गृह प्रवेश हो गई। रजवा अभी ले वेलकम ना कैलस। तो फिर पोस्टर फाड़ो प्रक्रिया संपन्न की जा। ओके बॉस। ओहो चला चला चदरा में गदरा मनाई है जा। चला चदरा में गदरा मनाई है जा। मनाई है जा। सॉरी मैम। उस्ताद,
आई लव यू जॉन, आई लव यू। ये मोहब्बत पूरा फिल्मी बा, एकदम हीरो की तरह एंट्री मर ले बा। हीरो के एंट्री में नो एंट्री लगाई बा। ए नो एंट्री के चौकीदार, अगर आज के बाद से हमारे जान के पोस्टर के हाथ भी लगाओ लेना तो पानी छुए खाती हाथ दूसरे के इस्तेमाल करे के पड़ी। उस्ताद देखत का बड़ा, एक्शन शुरू करा। हाँ बॉस। अरे कहाँ बड़ा सन रे, जल्दी आओ, रजवा उस्ताद के गोदन कूट दी। अरे का हो, तू लोग मुखिया के दुखिया बना देले बड़ा है, और इका गुंडे ही होता है, इका गुंडे होता है। मुखिया जी, ये हमारा जान के पोस्टर फाड़ इते करे के चुमा फाड़ दे। अरे अब भागा, ते हीरोइन से प्यार करबे। अरे मुझौसा, हमार बेटा हीरोइन से प्यार करे चाहे हाथी से, तोर काहे करेगा फटता रे। देखा देखा मिस्टर घुंगरू, मुजरिम और गवाही के बात से सब कुछ साफ साफ हो गई बा के आपको लतियाया गया सही है। अरे पोस्टर हो या साक्षात लड़की, उसका इज्जत होना चाहिए। केस इज डिसमिस। हाथ तरीके क्या भाई बेटा, टाइम कितना होता है? घड़ी घड़ी 12:10 कम बा। लागा था बाबू आज काजल के हर पिक्चर के फर्स्ट शो देखे के तहार रिकॉर्ड टूट जाए। बाबू 10 मिनट में तुम श्रीलंका पहुंच जाए। ऐसा नहीं, देख दिखाओ। उस्ताद हाँ, एको बात बोली। बोल। हाई तड़िया पीले से तो राउर देही के दर्द दूर हो जाए, लेकिन राउर करजवा में लागल रजवा के आग ना बुझाई। अबे तो अपने दिमाग से ऐसा कौनो फायर ब्रिगेड आइडिया दासन के पूरे गांव जवार के सामने और रजवा के इज्जत का कचरा बना दिया। बूस एगो रामबाण आइडिया बा। बोल। अपना जन्मदिन के शुभ अवसर पे भोजपुरी के सुपरस्टार काजल राघवानी के प्रोग्राम रखवा दी। जी के रजवा अपन मेहरारू बनावे चाहता, जब उस सारे लोगन के सामने नाची तो रजवा ऊपर से लेके नीचे तक झुलस जाई और राउर हरियर हो जाई। कहे मरनी है हबा, इतना फंटास्टिक आइडिया पहले काले दहले रख ढो लगिया। लेकिन काजल के बोलाई की, अरे महाराज पैसा फेंकी तमाशे देखी। एको प्रोग्राम करे वाले कंट्रैक्टर के हम जाने ली, 5 लाख रुपया दी, काले सट्टा बुक हो जाई। 5 लाख डोंट बी रिबोस, 5 कट्ठा बस 5 कट्ठा बिकाई और राउर के जन्म दिन पे गर्दा गर्दा हो जाई। अरे और राजा के इज्जत का बाजा बजावे खातिर 5 कट्ठा काबे 10
दस कट्ठा बेच दे। फिल्मी हीरोइन के बुलावे खातिर 10 कट्टा बिकाते। अरे औरत गलत टाइम पे एंट्री मारे ले, मर्दन का जरूरी मीटिंग चलत बा। आउट। हम सब पूछा था नहीं कौन जरूरी मीटिंग चलत। ओहो जा भाई। बेकार में। यस बॉस, 5 कट्ठा बेचे खातिर ग्राहक ढूंढा सन। यस बॉस। काजल। दिखत रहला हा? कुछ ना, जहां मन में ओइजे देखला ये तो तुम्हारी प्रॉपर्टी है। देखा, दूसरा के प्रॉपर्टी पे कब्जा करके हमके कौनो शौक नहीं के। ट्रैक्टर के चाबी दम के खेत जोत जाए के बा। हमार प्रति कब जोत बा? जइए धरती फाट जाए या भूकंप आ जाए तहिया। चला चाबी दा। हम तो सुनामी के इंतजार करता नहीं, हिम्मत बात निकाल ले। सुना सुना जा, कान खोल के सुना जा, श्री श्री 108 श्री श्री घुगरू महाराज जी के जन्मदिन पर भोजपुरी के सुपरस्टार काजल राघवानी और हलवानी अपन प्रोग्राम देवे। और जेकर व्यवस्था हवेली में रखल गईल बा, जेकरा के नाच गाना के आनंद देवे के बा, वो आई पधारी। ढोला गोईठा सुलग गई बा, अब तो आग लगिए जाई। तो भैया प्रोग्राम देखे जरूर आई, जरूर आई, जरूर आई। सुन ले भाई, अपना गांव में काजल आ गया बड़ी। यस। अब ये मत कहिया कि तोरा मोहब्बत के चुमुक उनका यहाँ खींच के ले आ रहा। देख रेडियो, आज तोर झकास बारी केंद्र सही समाचार बतावले बा। हाँ तो सुन रेडियो, हम अपना बेटा के ऐसन सजा के भेजब, ऐसन सजा के भेजब ना हमार होखे वाली बहुत देखते पसंद। बेटे से ढेर पागल तो महतारी भी, पता ना काजल के कौन दशा हो। आज मेरी यार की शादी है, आज मेरी यार की शादी है। हाय रे, हमार झकास वाणी बता रहा हूँ। झकास वाणी केंद्र बंद कर। मोहब्बत का मामला है बाबू। अच्छा, देखने के बाद दीदार तो हो ही जाएगा ना। जी राजा, बहुत जच रहे हैं बॉस। रजवा भी गुलदस्ता लेके छक्का मारे खातिर तैयार बा। टेंशन मत ले, ऐसा बॉल फेंकब ना कि क्लीन बोल्ड हो जाए। ओके बॉस। भाई रे का तनी ओवर होता।
बोस। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना निकाल। जिया राजा जिया, बाजी मार देला, अब तू चलत रहा। हाँ चला जाई नहीं हो। घुंगरू, तोर बाप के तिजोरी ना है जे कहीं पैसा ठूस देवे। देखिए आप यहाँ से चले जाइए, कलाकारों के साथ ये सब होता रहता है। मैडम जी आप दुनिया के लिए कलाकार हैं, लेकिन हमारे लिए तो हमारी जान है। क्या बकवास कर रहे हो? मैडम जी हम बकवास नहीं कर रहे हैं, हम आपसे बहुत हड़ा हवाला मोहब्बत करते हैं। निचोड़ वाला गाँव वाला भी सब जानता है। काजी करते हैं, हम मोहब्बत करते हैं ना। हाँ हाँ करते हैं। मैडम जी गाँव वाले भी जानते हैं कि हम आपसे कितना मोहब्बत करते हैं। थोड़ा जोर से बोलो। हाँ कि हैदराबाद कितना प्यार करता है आपसे। मैडम जी हम आपसे ब्याह करना चाहते हैं, अपना मेहरारू बनाना चाहते हैं। आई लव यू मैडम जी। अरे मजनू के औलाद उतर गल, माथा से ऐसा कभूत उतर गल ना, आज पूरा गांव जवार के सामने। अरे तोरा थोबड़ा पे नो एंट्री का ठप्पा लगा के चल गई। ऐ घंघरू एक दिन तोरा खुशी के मातम में बदल दे। जवना गाल पे थप्पड़ मार के गई बड़ी ना, वही गाल के चूमे खाती ये गांव में आई है और उनका से ब्याह करके अपन मेहरारू बना के लेके आई। एक मिनट, अगर ना आयल तब? अगर आ गई तब बोस हाथ में कटोरा लेके एक महीना ले भीख मंगिया सॉरी और भीख में मिलल भिक्षा से अपन खर्चा पानी चलिए। चला ठीक है, अगर तोहनी बोल दे ले बाड़ा तो चला। रजवा याद रख, आज तोरे इज्जत का सट्टा लग गई बा। अगर काजल गांव में ना आयल तो पूरा गांव जवार के सामने भरल पंचायत में तोरा हाथ में कटोरा थमाई। मंजूर बा। तो कब आई है काजल? जब हम मुंबई जाए तब। तो कब जाइबे मुंबई? जब जाए तो तोरा पता चल जाए। चल रे। रुक कहे गए ले बेटा? भाई पूजा पूजा करके आवो, अब ते मंदिर में पाँव हम तबे रखा जब हमारा साथे काजल रही है। ठीक बा। तो ठीक बा, अब तो हमू तबे जाए जब भौजी आई है तब ते यही गिरा। हाँ खड़ा हो जो जब राजा। सुन लिया तू काजल खातिर मुंबई जाता रहा? आजे जाता निशा। आज ले भगवान से हम कुछ नहीं की मंगनी, पर मोहब्बत मजबूर कर दे ले बा, तोहरे खातिर काजल के जरूर मांगब। कहल जाला कि मोहब्बत मगरूर के गुरूर तोड़ देला, जब दीवानापन हाथ से गुजरेला तो दिल से दिल के रिश्ता जोड़ देला। अबे बाहर ना आई, धीरे बोल। गईल भैंसिया पानी में। मतलब अभी ने बिना पता चला है रजवा काजल खातिर मुंबई चल गईल। वेरी गुड, फैंटास्टिक, मजा आ गया। बाप मरना अन्हारे में और बेटा का नाम पावर हाउस। अरे यहाँ तक कजली खाली होके थप्पड़ मर ले रहे, शहर से तब जुत्ती मार के भेजी। उस्ताद कहीं लसी आ गई तो का हुई? हुई का, बोस के हाथ में हुई कटोरा और गली गली बंगे भी। दे दे राम दिला दे राम देने वाला सीता।
काजी सपना निमन रहल नू, भगवान करे राउर सपना सच हो जाए। हमार सपना कभी सच न होला। अरे भिखारी योग तो वही रजवा के किस्मत में लिखल बा, हमरे किस्मत में तो राजयोग लिखल बा। यार बंधु बुझाता कि चलत चलत अकड़ी पदड़ी झुला जाए, इतना बड़ शहर में काजल मैडम के कैसे खोजल जाए। अब का भाई ये गाड़ी में मैडम जी बारी, काजल मैडम जी बारी, आप बात कहो ना मैडम जी, मैडम जी, हाँ मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, राजा, राजा। जो मोहब्बत में ठोकर खा के संभल जाला वो एक दिन मंजिल पर पहुंच जाला। हमार झकास वाणी बतावा था कि तुहार मोहब्बत के मंजिल आसे पास बा, चला। अरे भाग्यवान जल्दी चाय लाओ, मगज ब्लॉक थई गयो। अरे रे 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 चाय पियो, मारा खून नथी, नौकरानी बना के रख दी है। अरे काली कपाली माता, सब कुछ तुम्हारा ही तो है बाबा। केम? अगर सब कुछ मेरा ही है तो फिर वो डायमंड का नेकलेस क्यों नहीं लेके देते? डोंट वरी पगली, आज तुम्हारी डिमांड पूरी कर दूंगा। सुनो काजल बेटी आती होगी, ध्यान रखना हमारे पास शक ना हो। ओके ओके। अरे बाय बिटिया आ गई। अरे बिटिया आज जल्दी शूटिंग खत्म हो गई? जी अंकल, वो एक्चुअली क्या हुआ, हीरो को सीन के दौरान मेरी सैंडल लग गई उसके मुंह पे, तो पैकअप हो गया। अरे रे रे रे, हीरो को सैंडल मारने वाला सीन था अंकल। आंटी कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो गई है। वेरी वेरी सैड सीन बेटा। नो अंकल, इट्स नॉट सैड, एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी। वो क्या है ना, एक्टिंग के नाम पे हीरो एकदम नल्ला है। पता चला है कि गांव में अपनी जमीन बेचकर यहां पे खुद को हीरो एस्टैब्लिश करने के लिए मूवी बना रहा है। सीरियसली, बेवकूफों की कमी नहीं है इस दुनिया में। इन बेवकूफों की वजह से आज तुम इतनी ज्यादा बिजी हो बेटा, इससे अपना बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। तो बैंक बैलेंस से याद आया, दो तीन चेक साइन कर दो, सर्वेंटों को पगार देना है। हाँ, वो महीने का अंत हो गया है ना, तो सब काई काई करते हैं। साइन कर दो बेटा। शूटिंग होगी तो टाइम नहीं मिलेगा ना। अरे एक दो और हो जाएगा। राजा भाई तुरंत मोहब्बत की कुंडली में 7.5 ठुक गई बा भाई, पता ना और किसन किसन दिन देखी। चल चल कहनी है कहनी, सुन रहा बाद में अपना मुंह पर चप्पल से मरी है। ऐसन बा भाई, ये तो हर ससुर का घर ना समझे, जल्द से निकला यहाँ से, तो जिंदगी भर जेल में बैठ के काजल डार्लिंग के लव लेटर लिखा रही बा। चुप चाप सुन बे। ठीक बा ठीक बा, यार के इसके खातिर तनी तनी हम लोग के रिस्क उठावे के पड़ी। चला
वॉचमैन जरा इन लोगों का बैग चेक करो, क्या क्या चुरा के रखा है। मैडम काजल मैम साहब का फोटो है। काजल बेटी की फोटो? आप काजल जी का मम्मी है, आप पापा है, ये काजल जी का घर है ना? नहीं, तुम्हारे बाप का घर है। प्रणाम मम्मी जी, प्रणाम पापा जी, प्रणाम मम्मी जी। अरे क्या कर रहे हो, कौन हो तुम? अरे आप इनको नहीं जानते, इनको? चल छबीला रंग रंगीला दीवाना मस्ताना, अरे ये है ये है ये है राजा भैया, काजल जी का बहुत बड़का फैन है। तो कहा है ना मम्मी जी, जब से काजल जी हमारे गांव में प्रोग्राम देने गई थी तभी से कुछ ज्यादा पगला गया है, अपना गांव छोड़कर काजल जी का सेवा करने के लिए यहाँ मुंबई आ गया है। अरे वो सब तो ठीक है, पर तुम लोग अंदर घुसे कैसे? कपास था भिकारियों का साथ था, रात का बात था भिकारियों का साथ था, हम भाग रहे थे वो दौड़ा रहे थे, फराटा मार के सो रहा था, फराटा मार के ठोका। ये कुंभकर्ण का आला तो आपका घर वाला लुटवा देगा, निकालिए इसे और हमें रख लीजिए, हम आपका सेवा करूंगा, वो भी एकदम फोकट में। अब हम भी करूंगा फोकट में सेवा। अरे ललिता, महंगाई के जमाने में फ्री के नौकर मिल रहे हैं। सामान लेके चंपत हो गए तो सो करवा लूं? अरे नहीं नहीं, ये तो सोचो, जो आदमी इतनी दूर से बिटिया की सेवा के लिए यहाँ तक आ सकता है, सोचो वो कितना बड़ा दीवाना होगा। और मेरा ये एक्सपीरियंस कह रहा है कि दीवाने कभी धोखा नहीं देते। बाकी बात बिल्कुल सरुच है। ए वॉचमैन, आज से थारी छुट्टी थाई गई, गेट आउट। इसका मतलब हमारा गृह प्रवेश हो गया? हो गया। सामान उठाओ और उधर कमरा ले जाओ, मैं बाद में आके काम बताती हूं। अमर बादान के लिए है ना साहब? कहीं से भेजा? बहुत बहुत थैंक यू मम्मी जी, पापा जी, बहुत बहुत थैंक यू मम्मी जी, पापा जी, बहुत बहुत थैंक यू मम्मी जी। अब तो इसके पगार का पैसा भी हम रख लेंगे। देख ले रेडियो, मान संगा तो कठौती में गंगा। मान गई नहीं यार, तोरा मोहब्बत में दम बा, भगवान सीधा काजल के घरे में पहुंचा दे। अबू का दिल में घुसे के रास्ता बनावे के बा। वाह किया गुरु। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। अब ये बताओ, तुम दोनों में से चाय कौन अच्छा बनाता है? मम्मी जी हम सुपर फास्ट चाय बना लेते हैं। वेरी गुड, सुपर फास्ट चाय बनाओ और सुपर फास्ट मैडम को दे के आओ। ओके, मिल गई रास्ता, अब पहुंच जो दिल में। अंदर ढोके मैडम जी, ढोके। गुड मॉर्निंग मैडम जी, गुड मॉर्निंग। शट अप, तुम मेरे ही घर में मेरे ही बेडरूम में घुस के मेरे ही कप में कॉफी पी रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? गलती से मिस्टेक हो गया। किस पागल ने तुम्हें अंदर आने दिया? वो पापा जी पागल है का? दरअसल बात ऐसा है ना कि आज से हम आपका सेवक है। आप खिसी आइए जान, हम अभी अभी गुड मॉर्निंग वाला चाय बना के ला रहे हैं, सॉरी कॉफी। चाचा जी, चाचा जी, चाची, चाचा जी। सूत है बेटा, तमे आने ओळखो छो? ये तुम्हारा जबरदस्त फैन है, इन्हें आज ही नौकरी पर रखा हूँ। नो वे अंकल, आप इसे अभी इसी वक्त यहाँ से बाहर निकालिए। ये इसका दिमाग का क्रैक है, इसने मुझे आई लव यू बोला, और आई लव यू तो छोड़ो, ये मुझसे शादी करना चाहता है। और देखिए मैडम जी, आपने हमको एक झापड़ मारा था, वो बोल दीजिए पापा जी से। देखा, सुन लीजिए, एक थप्पड़ खाने के बाद भी यहाँ पे पहुँच गया, अब तो आप समझ ही सकते कि कितना बड़ा पागल है। अभी आप इसको यहाँ से निकालिए। देखिए मैडम जी,
अगर आपका मन कर रहा है तो हमको एक झापड़ और मार लीजिए, लेकिन हमको यहाँ से भगाइए मत, हम आपको बिना देखे मर जाऊंगा। मैं ही कुछ करती हूँ। वॉचमैन, वॉचमैन जी। अब ये बंदर कौन है? बंदर नहीं मैडम जी, मैं आपका नया वॉचमैन और राजा का लंगोटिया यार, रेडियो। जैसे राजा आपके बिना नहीं रह सकता है, वैसे ही मैं राजा के बिना नहीं रह सकता हूँ। कृपया करके इसे यहाँ से मत भगाइए मैडम जी। अरे ये बेचारा तो आपका सेवा करने के लिए अपना गांव छोड़ के यहाँ चला आया है, इसके जज्बात को बुझने का तनिको तो कोशिश करिए मैडम जी। चुप रहो। मैडम को सफा बोलवा के समझ रहे कब है? देखिए मैडम जी, हमारे दीवानापन को गलत मत समझिए, न हम आपके बारे में बुरा देखते हैं और ना ही किसी को देखने देंगे। हम तो आपका खाली सेवा करना चाहते हैं, हमारा विश्वास करिए। इतनी मारी बात समझ, दोनों फोकट के नौकर हैं, दोनों पालतू कुत्ते की तरह हमारी दिन रात सेवा करेंगे। जी Isaac, move. जी शुक्रिया। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों में से पोछा लगाना किसको आता है? इसको आता है ना, छठी मैया के घाट पर गोबर से बहुत अच्छा लिपता है गांव में। अच्छा अरे समैया कितना दुर्गति कराई, अल्लाह भगवान फल खाई के और कर्म करता के। लेकिन कुछ कहो खानदानी पोछा मारे लागत आ रही गंदा बाकी लिया पोछा लगा दी अने गंदा है देखो। हाँ गन मुझे टच करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर मैं आपको नहीं पकड़ता तो आप गिर जाती, आपको चोट लग जाता और दर्द मुझे होता। जाओ जाके मेरे सैंडल लेके आओ। हाँ जी सर जी, मैं 8 बजे तक पहुँच जाऊंगी, डोंट वरी। हाँ बिल्कुल, ओके बाय। जल्दी लाओ। पहनाओ। अगर सैंडल पहनाने में तुम्हें अपनी बेइज्जती महसूस हो रही है तो तुम अपने गांव वापस जा सकते हो। गांव में बेइज्जत होने से अच्छा है कि हम यही जी बेइज्जत हो जाएं। मतलब? हम बताई थे मैडम जी, असल में जब आप गांव में आए तो सबके सामने जब आपने इनको थप्पड़ मारा। जवार के सामने, अरे तोरा थोबड़ा पे नो एंट्री का थप्पा लगा के चल गई। याद रख, आज तोरे इज्जत का सट्टा लग गई। अगर काजल गांव में ना आए तो ये पूरा गांव जवार के सामने हरल पंचायत में तोरा हाथ में कटोरा था भाई। मंजूर बा। ओ आई सी, इसका मतलब तुम भरे समाज में भिखारी बनने से बचने के लिए मुझे अपनी दुल्हन बनाना चाहते हो और मुझे अपने गांव ले जाना चाहते हो, राइट? मैडम जी, भिखारी तो मैं कल भी था और आज भी, लेकिन मेरे लिए तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आप है। Well, let me clear one thing. अगर तुम मेरी दौलत हासिल करने के लालच में यहाँ आए हो तो एक बात समझ लो, ये जो बंगला है ना वो मेरे चाचा जी का है और उन्होंने मुझे पाला है और अब मैं उन्हें पाल रही हूँ। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला। मैडम जी, मुझे आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कुछ देना चाहूँ तो तुम क्या लेना पसंद करोगे? जन्म जन्म के लिए आपका साथ। तुम लोग इतने बेवकूफ क्यों होते हो? झूठी शान के लिए अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? देखो अपने दिमाग से ना ये सब निकाल दो और ये भी निकाल दो कि मैं तुम्हारी दुल्हन बन के आऊंगी और तुम्हारे गांव जाऊंगी, ओके? अगर दिमाग मेरा तो तब नू निकाल देती, लेकिन तू तो दिल में बस गई बड़ू। हेलो बेटा। गोर लगता नहीं भाई। खुश रहा बेटा, और तू बारा कहाँ? आज बारी लौका खरीदे। लौका? अच्छा ये बतावा, काजल से भेंट भाई हा की ना तोरा? अरे ना ना भाई, ऐसा कोनो बात नहीं है, हम तो काजल के कोठी बवानी। अच्छा अच्छा, तो ये बतावा कि काजल से बातचीत होला तोरा कि ना? ना माई, वो बहुत प्यार से बोले ली। वो कहा ना माई की रेडियो बोल दे ले बना की उनका से बियाह का क्या हम गाँव लेके जाए वाला बानी। अरे बेटा, तब तो खूबे खिसिया गए हम यहाँ।
अरे ना ना माई, तू तो बहुत प्यार से बोलेली, और जहाँ प्रेम होला वहाँ खीस पीत ज्यादा दिन तक लेना टिकेला। ठीक बा बेटा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारा साथे बा हमेशा, हमरे बहू के जल्दी लेके आवा। हाँ अपन ख्याल रखिए। हाँ बेटा। भाई रे आ, हमार एगो कहना मान ला का, अपन दिल मजबूत कर ला। अरे आखिर कब ले बेइज्जती बर्दाश्त करबा यार, जब तक ले नफरत के खंजर हमारा दिल के चीर के नहीं निकले। क्या बकबका रहे हो? काका काका कुछ कुछ ना, सोते के कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये नहीं लग रहा है। तुम ना मानसिक रूप से थोड़े बीमार लग रहे हो, तुम्हारा इलाज जरूरी है। 5 मिनट के अंदर मेरे रूम में आओ। रूम में कौन इलाज हो रहे भाई? भागे के लहान लगा के चाहिए, कहीं पटक के लाते मुंह के काले जन। जस्ट फील फील ना, चीर चीर आ रहा हूँ। हाँ आइए। गुड मॉर्निंग मैडम जी। अभी गुड मॉर्निंग नहीं चल रहा है। हमको क्या पता चलेगा, बहुत लाइट जलता है तो समझ में नहीं आता है। अच्छा ठीक है, तुम्हें मसाज करना आता है? जी हाँ जी आता है ना, माई के कपार में जब ही दर्द होता था ना, हम ऐसा मसाज करता था कि दर्द छू मंतर हो जाता था। मैं हेड मसाज नहीं बॉडी मसाज की बात कर रही हूँ। आप मेरा अग्नि परीक्षा ले रही है का मैडम जी? तो मसाज करोगे या नहीं? सॉरी मैडम जी, हम परण किया है ना, हम अपना मेहरारू के छोड़ के पराया मेहरारू के बॉडी नहीं छुएंगे। और जब तक शादी नहीं होता तब तक आप भी हमारे लिए पराया नारी हुई ना। सीरियसली तुम बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन हो पागल। अच्छा ठीक है चलो हेड मसाज ही कर दो। जी की रहवा तेल चलेगा? ये क्या होता है? उंगड़ी में ढील होता है, सब निकल जाता है। हाँ ओके। वहाँ ऑयल रखा है, मसाज कर दो। ये पूछ पूछ आ रहा है इधर से। अच्छा एक बात बताओ जी, तुम्हें कार चलाने आती है? जी गांव में टायर बैल चलाए हैं और ट्रैक्टर भी चलाए हैं। मैं ट्रैक्टर की नहीं कार की बात कर रही हूँ। जी आप कार ये तो चलाइए लेंगे। ठीक है तो कल से तुम्हें मेरी कार भी चलानी है और मेरे बॉय का भी काम करना है। ठीक है, क्या होता है? जो चाय पानी पिलाता है। दोनों के साथ? चलो अब तुम जाओ, सुबह जल्दी उठना है, 9 बजे की शिफ्ट है। ठीक है जी, गुड मॉर्निंग। गुड नाइट। लाइट भूक भूक आता है, समझ में नहीं आता है कि दिन है कि रात। अरे मोहिनी डोंट वरी, मैं बिल्कुल टाइम पे तुम्हारी पार्टी में पहुंच जाऊंगी। ओके नाउ यू एंजॉय एंड हम रात को मिलते हैं। ओके चलो बाय। अरे पगलू आगे देख, बच्चे की जान लेगा क्या? अरे मैडम जी रवरमरे से डर लगता है ना। अरे अक्कल के दुश्मन, मौत से सबको डर लगता है। हमको नहीं लगता है, और हमारा तरह आपको भी जहिया मोहब्बत हो जाएगा ना, हमारे तरह आपको भी डर नहीं लगेगा। आर्टिस्ट को तो बुलाओ। सर आ गई काजल जी। अरे आइए आइए काजल जी। तुम यहाँ शूटिंग देखने आए हो? जी नहीं नहीं, आपका सेवा करने। तो जाओ मेरे लिए चेयर लेके आओ। जी पहला अठा वैकेंसी हुआ है, नया नया आया हूँ, मैडम का कुर्सी ले जा रहा हूँ। क्या मालूम कहाँ से? अरे वो दुष्यंत कहाँ है? सर वो बाथरूम में, उसका पेट गड़बड़ा गया है। दुष्यंत का? जी। अरे यार उससे बोलो बाथरूम में एक्टिंग करा, कोई दूसरा आर्टिस्ट देखो फटाफट, टाइम नहीं है, बहुत टाइम लग रहा है यार। सर वो देखिए वो चलेगा क्या? अरे यार तुम स्क्रिप्ट पढ़े हो? अपने स्क्रिप्ट में यंग विलेन है यार, वो बुढ़ा आदमी चलेगा? यंग विलन जिसका दीवानापन पागलपन के हद से गुजर जाता है, कोई दूसरा देखो जो विलन जैसा हो। सर जी क्यों ना आप मेरे बॉय को ट्राई कर लेते हैं? ये जैसा आपको चाहिए वैसे सारे गुण मेरे बॉय के अंदर है। नाइस, गुड गुड सजेशन। अजय जी मेकअप कराओ इनको। मैडम जी हम फिल्म वाली में काम नहीं कर सकते हैं, हमको शौक नहीं है। तो मेरी बात नहीं मानोगे? कह रही है तो मान लेंगे। हाँ मेकअप करवाओ और कॉस्ट्यूम
आइए आइए। अरे नहीं नहीं नहीं, हम कपड़ा नहीं पहनेंगे, ये कपड़ा हम जगदे जगदे के बाराती के लिए खाते हैं। अरे नहीं, कुछ नहीं होगा, चलेगा, ये अच्छा लग रहा है, फट जाएगा तो नहीं फटेगा सर। आइए ना, आइए सर, आइए आइए। चलो लेते हैं, रेडी स्टार्ट साउंड, कैमरा एक्शन। यहाँ लोग के सेब खाए के नहीं खिमलत और तू चिल्ला के मारे ताड़ा। सेब के छोड़ा तारु स्वाई, हमार दिमाग इतना खौजिया दे ले बा कि मन तो करा था कि बम चला के मार दी, लेकिन तू तो खुदे को बम मारू। गुड, आइंदा हमसे बदतमीजी कह लेना तो जब ई बम भड़क जाए तो दुनिया के कौनो पागल खाना में थोड़ा की जगह ना मिली। हमके कहीं और ना, थोड़ा दिल में जगह चाहिए। हाँ? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? सवाल जो भी हो लेकिन जवाब तुम ही हो, दुख जो भी हो लेकिन सुख तुम ही हो। सर ये डायलॉग तो स्क्रिप्ट में है ये नहीं, अपने मन से बोल रहा है। रास्ते कोई भी हो लेकिन मंजिल तुम ही हो, गुस्सा कितना भी हो लेकिन प्यार तुम ही हो। कट। बट राजा, तुम्हारा डायलॉग विलन के पटरी पे चलते चलते हीरो के प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया। जी? जो भी हो, अपने मन की बात नहीं स्क्रिप्ट की डायलॉग बोलो। अजय। यस सर। याद कराओ इनको। बात ऐसा, हम पहला ठेक कर रहे ना तो हमको थोड़ा गड़बड़ा रहा है। चलो लेते हैं, स्टार्ट साउंड, कैमरा एक्शन। ओए मिस्टर, खुद के देवदास और हम के पारो मत समझो, हम काजल है काजल। जब आंख में लग जानी तो देखे वाला पगला जाला, और जब कहीं और लग जानी तो दाग पड़ जाला। बहुत सुना भैलू, अब अपना प्यार के दाग तोरा खूबसूरत ओठ पर चुम्मा लेके लगाए। हमरे लात के चुम्मा कैसा लागल दुष्यंत सिंह? जी हमरा के डिस्टर्ब करेला, ओकर जीवन हम डिस्टर्ब कर दिले। कट कट कट, अरे कोई हीरो को उठाओ यार। काजी सही है मार दिया सर, हमको वो भी सही है मैं मारा था। विलेन हो, वो हीरो है, विलेन को थोड़ा मार बर्दाश्त करना पड़ता है। हम ऐसे कैसे बर्दाश्त कर ले, हम गांव जाएंगे तो लोग क्या कहेगा हमको कि मुंबई से मार खा के आ गया। अरे काजल जी जरा आप ही समझाइए। हाँ जी सर। राजा तुमको सिर्फ मार खाना है, मारना नहीं है। ओके अच्छा मैडम जी, जब आप बोल रहे तो हम वो खा लेंगे। आ भाई सर रेडी, मारो जितना मारना है। स्टार्ट साउंड, कैमरा एक्शन। सर देवजी राजा को सही में पंच मार रहे हैं। मान ले तो ना यार, सही एक्शन से रिएक्शन का इंपैक्ट मिल रहा है। सर इस साल ना बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड आप ही को मिलेगा। अबे तारीफ कर रहा है कि जूता मार रहा है? सर हम तो आपको खाली चप्पलें पहना रहे हैं। अगर जिंदा बच गए तो याद रखिए काजल हमार जान है। करेक्ट। वाह क्या बात है, कैसे कर लेते हो, कुछ बहुत अच्छा। शिफ्टिंग दूसरे फाइट के लिए। नागालैंड ओके सर, दूसरी फाइट के लिए रेडी हो जाओ। स्पॉट चेयर लेके आओ। वेट, पानी दो। लीजिए सर पानी। Mm-hmm.
शाबाश यार, तुमने तो कमाल कर दिया। अगर काजल बेबी को कुछ हो जाता तो हमारे तो फिल्म की वाट लग जाती। काम तो तुम विलेन का कर रहे हो लेकिन रियल लाइफ का हीरो निकले, शाबाश, गुड। चलो चलो अपना अपना सब काम करो, बहुत अच्छे संभाल के चलो। खुश है ना मैडम जी? थैंक यू। रेडियो, रेडियो। जी 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 मम्मी जी। क्या करता है? सूत रहे थे। सूतने आया यहाँ? ना। जाओ जाओ जाके किचन में बर्तन पड़ा जाके मांजो। सुनाई नहीं दिया? किचन में बर्तन पड़ा जाके मांजो। देखा तो नहीं ते बुढ़ा बुढ़िया काम करा करा के हमरा के जवानी में विधवा बना दिए सन। क्या बोला? हाँ हाँ हाँ। जब ये मशीनवा है ये है तो फिर हमको अपना हाथ घिसने का क्या जरूरत? जब ये कपड़ा इतना साफ धोता है तो ये बर्तन हुआ तो एकदम सफेदी का चमकार बना देगा। यही ठीक है। हाँ चालू किए है ना मम्मी जी? मशीन चालू किए? कपड़ा तो तुम सवेरे ही धो लिया था। अभी हम कपड़ा थोड़ी धो रहे हैं मम्मी जी। तो फिर क्या धो रहे हो? अभी हम बर्तन धो रहे हैं मम्मी जी। बर्तन वॉशिंग मशीन में? हाँ, देखो कितना अच्छा आवाज आ रहा है। आरा रा रा। मोहिनी My darling. Oh baby, wish you many many happiness of the day. Thank you baby. कैसे हो तुम? बस गुड। आप तैयत बर्दाश्त नहीं करत भगवान। मरद के उल्लू बना के पीछे पीछे घुमाओ तारी आ लड़की से लव फरमाओ तारी। तहार किस्मत फूट गई भाई, बहुत जी त लेस्बियन भी आ। मतलब? मतलब ये कि एकरा के आदमी में ना औरत में इंटरेस्ट बा। राजा राजा। This is for you. Thank you. Hi, handsome. Huh? I am Mohini. Pranam. Kazu, darling, ये कोई भोजपुरी फिल्म का नया हीरो है क्या? No, यार, ये मेरा बॉय है, राजा बिहारी. Oh, एक बिहारी सौ पर भारी. You know, बिहारी बाबू. लगता कि आप भोजपुरी फिल्म बहुत देखती है ना? Darling. मुझे भोजपुरी हीरो पसंद नहीं है, मुझे तो रियल हीरो पसंद है। काजू डार्लिंग, मुझे ना तुम्हारे हैंडसम बॉय के हाथों से एक पटियाला पैक पीना है। Of course, why not? राजा जाओ हमारे लिए दो पैक बना के लाओ। जी दो पैक बना के लाओ। हाथ हो गई बा। बाप दादा कब दारू का मुंह ना देखलास? और हम यहाँ पैक पर पैक बना होता नहीं, वही गोले की खाती। डोंट वेरी यार, औरतों की गुलामी करना आजकल की मर्दों की निशानी है। इतना हैंडसम बॉय तुम्हें कहाँ से मिला? ये तो बिल्कुल हीरो टाइप का लग रहा है। Come on यार, it's just a boy. Oh, thank you. Cheers, cheers. Ajal ji, just a minute. Yeah, coming. मैं आती हूँ. Okay. Kazu darling, तुम्हें कितना पगार देती है बिहारी बाबू? हम पैसे के लिए काम नहीं करते, अपनी खुशी के लिए मैडम के पास है। अच्छा, तो मैं तुम्हें उससे ज्यादा खुशी दूंगी। तन
से भी और धन से भी मेरे बॉय बन जाओ। देखिए मैडम जी, अगर मैं ईमान बेचता ना तो शायद दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता। गुड थॉट। तो बॉयफ्रेंड बन जाओ। तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो मैं तुम्हें अपना हस्बैंड भी बना सकती हूँ। बिस्तर पे किए हुए फैसले से रिश्ते नहीं जुड़ते। उसे जोड़ने के लिए दो दिलों के बीच मोहब्बत होना बहुत जरूरी होता है, और हम अपना दिल तो काजल जी के नाम कब के कर चुके हैं। हे मोहिनी। हाय। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स कट द केक। या श्योर। कम ऑन, कम। चलो। हे गाइस, चलो केक कट करते हैं। शूटिंग के दौरान उसके मुंह पे मेरी सैंडल लग गई। अच्छा? ओह माय गॉड। लो, क्या है कि पैक लेके आ रहे हो? जा पूरी बॉटल लेके आओ। सच में यार बहुत मजा आया। तुम ठीक कह रही हो, है ना? हाँ ठीक है। और बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है? मैडम जी, मैडम जी। राजा। मैडम जी। राजा, उल्लू ढक चुकी है। चलो ना, हम भी कहीं जाके लुढ़क लेते हैं। चलो ना, चलो। चलो ना। मैडम जी, मेरे तन मन पे सिर्फ काजल जी का अधिकार है, और शरीर क्या, मैं इनके लिए अपना गर्दन तक कटवा दूंगा, लेकिन किसी और को नहीं अपनाऊंगा। मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, और दारू चाहिए। का रे बाबू, शादी से पहली पेनल्टी मार दे हला का। अपन चोंगा बांध कर ई दारू पी ले बड़ी। भाई रे की बेवड़ी में हरारू के भूल जो। हाँ। हमरा आज बुझा गई भाई। हाँ। तारा से का ई बिहार के कौनो मरद से बिहाना करिहन काहे? अरे यार, बिहार में दारू बंद हो गई बा। हाँ। अगर कहीं रात बिरात जरूरत पड़ गई। हाँ। तब का होई? अगर एक को सीसी कहूँ घर में पकड़ा गया। हाँ। तो पूरा घर सील। हाँ? हाँ। देख बेटा, हम मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं। अच्छा? ओवरलोड बहुत ज्यादा। हाँ, देखा नहीं। ई बताओ मम्मी पापा कहाँ? मम्मी पापा? हाँ। बुढ़ोती में जवानी के मौसम आयल बा। हाँ। सिनेमा हॉल में कुर्सी तोड़े गई बा। हाँ? हाँ। बैठल बड़ा देखा
देखा मोहब्बत में महबूब मातारी बन गई। अब तो हमारे यार के चाहत पूरा करता। गुड मॉर्निंग मैडम जी। गुड मॉर्निंग। ये क्या लाए हो? वही जो अपराध के पार्टी में पी के ढीमला गई थी। पापा जी बोल रहे थे कि जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसा ही दारू दारू को काटता है। दो पैक मारिए सब हैंगओवर बाहरी। तुमने मुझे अपनी गोद में तो नहीं उठाया था ना? हम तो आपका खाली सेवा किए थे। कुछ और तो नहीं किया था ना? हमारी हिम्मत इतनी बेशरम नहीं है मैडम जी। अगर हमारी आंखों में हवस का आग होता तो अब तक आपका इज्जत शर्मसार हो गया होता। हम तो आपकी पूजा करते हमेशा। जिस दिन हमारी प्रेम की पवित्रता आपको समझ में आएगी, देख लीजिएगा, आप हमारी फैन हो जाएंगे। मैडम जी, गुड मॉर्निंग। अरे बेहाने बेहाने बेवड़ा पार्टी शुरू हो गया। पागल हो गया? नहीं मैडम जी, पागल तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो रहे हैं आपको कहानी सुनाने के लिए। चलिए, पापा जी बुला रहे हैं आपको। अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ फ्रेश होके। और हाँ सुनो, मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी बना के लाओ विदाउट शुगर। नमस्ते मैडम, ये है फिल्म के प्रोड्यूसर और हम हैं निर्देशक अरविंद दुबे। काजल जी, एज ए प्रोड्यूसर मैं पहली बार फिल्म बना रहा हूँ, इसलिए कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। गुड। फिल्म सोशल है बट सेक्स का जबरदस्त तड़का लगाया गया। जी। एक काजल मैडम, फिल्म का जो टाइटल है ना वो है पलानी में जवानी रोता। गुड, नाइस टाइटल। मेरा कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर का क्या कहे मैडम, समझ लीजिए कि आप भोजपुरी की सनी लियोनी है। वाओ, गुड। कॉस्ट्यूम डिजाइनर कौन है? ड्रेस की कोई टेंशन ही नहीं है मैम, फिल्म के ज्यादातर सीन्स में आप कलरफुल पैंटी ब्रा और आर पार दिखने वाली सिफोन की साड़ी में है। Okay. कहानी कुछ ऐसा है मैडम कि जब जब आप परदेसी पिया के प्यार पाने के लिए तड़पती हैं, तब तब आपके जवानी का जो शोला है वो एकदम भड़कने लगता है और आप उस शोला को ठंडा करने के लिए बर्फ के सिली पर मुखौटे पलट जाती है और बर्फ को अपने जिस्म से रगड़ने लगती है। मैडम, आपकी सांस की गर्मी और बदन के तपिश से वो बर्फ पिघल कर एक 15 साल के बच्चे का रूप धारण कर लेता है। वो वही बच्चा है मैडम जो अपने फिल्म का हीरो है, जिसे विलन ने नंगा करके बर्फ के सिल्ली में जमा दिया था। कैमरा पुल बैक करके दिखाते हैं कि आप उसको अपनी बाहों में जकड़ लेती है। अचानक बच्चे को होश आता है, वो बचाओ बचाओ चिल्लाता है। आप भूखे शेरनी की तरह उसे अपने बाहों में दबोच लेते हैं। आप आनंद की ओर धीरे 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 प्यार से बढ़ रही है। वो बच्चा चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। आप आगे की ओर बढ़ रही है, वो चिल्ला रहा है बचाओ। आप आनंद की ओर बढ़ रही है, वो बच्चा चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, और आप आनंद तरीके फिल्म बनाओ तरह सरे कि अपन माई बहन कराओ तरह सा आए ठीक है, जाके अपना माई बहन का हीरो रख ला सा ना तो तहरा राजा। मैडम जी बस्ती रही है, ऐसा ने लोगों के कारण है भज
पूरी सिनेमा बदनाम हो गया है। गंदा नाली का कीड़ा है, गंदगी ही सोचेगा। आप मोहल्ला चल रहा है, मैंने कहा आज हमको मत बोलिए। आप निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। जस्ट गेट लॉस्ट, जस्ट गेट लॉस्ट। के भेजला सारी डायरेक्टर अरविंद जी, अबे ढोला पिस्ता आवे के बड़बे बे बट ली बॉस एक और कुकुर अभी ले जिया थे बा देखी तो जरूर भोगी। शुरू हो गई तो ड्रामा। अरे बहुत तेज घाम भइल बा मर्दे, तो हर कपाल बथे लागी। आओ देखी बॉस। चल ओढ़ ला। दिलवाला बगैर दुल्हनिया के बैक टू पवेलियन आ गई ले। मुबारक हो बॉस, रउआ भिखारी बनला से बच गई नी। हम तो तकलीफ समझता नहीं यार, क्या कर बे हालात के सामना तो करेंगे बड़ी। चल ए हीरो, एक मिनट। हमरा के मालूम रहे कि काजल के नाम का मऊर तोरा माथे पे ना बनाई। जो बाबू नहा खा के तैयार हो जाओ, हम पंचायत बुलावे जाता नहीं। अब पूरा पंचायत के सामने तोरा के भिखारी बनाई। ढेर खुशी मनावे के जरूरत नहीं के, राजा तोरा हाथ में कटोरा जरूर पकड़े हन। काहे कि काजल भौजी अपन शूटिंग खत्म करके सीधा ये गांव में ही आवे वाला बड़ी। तो हाई वोल्टेज की झटका दे देलस। कब आ रहा है काजल? अगले महीना। महीना साल ला, तारीख बताओ। तारीख 26 तारीख ना 27, 28, 29, 30, 30। 2, 3, 4, 5 पूरा महीना बोल दे। अरे हम कहते तो बानी। हम तारीख बताओ तानी। एक, अगर एक तारीख तक कजलिया ना आए ना, तो एकरा के घर से घसीट के ले आई और पूरा पंचायत के सामने भिखारी बनाई। एक तारीख चला ढोलक तबला। यस बॉस। झूठ कहे बोलिए कि काजल है वाला बड़ी तका करती यार।
ये घुंघरू के आतंक से बचे के और ही कोनो उपाय ना सूझल भाई। काश काश के समय से पहले काजल यहां चली थी। क्या बात है बेबी, ये तुम्हारे चेहरे पर मायूसी का मेकअप क्यों चढ़ा हुआ है? कुछ नहीं यार, बहुत अजीब सा फील हो रहा है। हाँ? कुछ अच्छा नहीं लग रहा। डोंट वरी बेबी, ये तुम्हारे वीरानेपन की दवा ना तुम्हारे पास ही है। मतलब? मतलब वो तुम्हारा बॉय राजा किधर है? वो अपने गांव चला गया। गांव चला गया? जहां तक मैंने राजा को समझा है वो इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ के जाने वालों में से नहीं है। हाँ जरूर तुमने ही उसे भगा दिया होगा, है ना? क्या करती यार, वो घर आए प्रोड्यूसर डायरेक्टर पे उसने हाथ उठा दिया। अच्छा? हाँ जरूर उन लोगों ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की होगी, इसीलिए उसने ऐसा किया होगा। मैंने राजा को आजमाया है, मैंने देखा है उसका दीवानापन। वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, तुम्हारी खुशी के लिए वो अपने आप को भी बलि चढ़ा सकता है। तुम बहुत किस्मत वाली हो क्योंकि तुम्हें राजा जैसा इंसान मिला है। जब तक तुम्हारी जवानी है तब तक करियर है, जिंदगी जीने के लिए प्यार की जरूरत होती है, सच्चा प्यार, बाकी तुम्हारी मर्जी। मंगल भवन मंगल हारी। दर दर दर। काकी हो, हमने मंदिर से आ गए निशान। आई राजा साहब अभी ले तो तूने करते बड़े। माई लगता है कि मंदिर के प्रसादी कुछ ज्यादा ही चुरा के खा ले लेबा, यही से एकरा दिमाग के स्पीकर झनझनाता। बेटे ये खून कैसन रहे? लगता कि चीरा से जीभ कट गई हो माई। अच्छा जल्दी कुला करके आवा, हम खाना निकालत है। हाँ भाई ठीक बा। हाँ रजमा बाहर निकल। देख कितना इज्जत के साथ तोरा के बेइज्जत करे खातिर ले आयल बानी, चल चौपाल में पंचायत लागल बा। चल आज हमहू देख ले तनी की मोहब्बत कौना तरे जलील होला। बजाओ मैं तो चिंता हूँ। चल रही है। हे तुलसी मैया, हमार बेटा की इज्जत अब तोहरे हाथ में बा। देख ली गावालन, रजवा शर्त हार चुकल बा। कजली अगरा मुंह पे थूक के चल गई। मुखिया जी अब भिखारी बनाई अगरा के और अपना कर कमलन से कटोरा थमाई। देखे घुंगरू बाबू, ये बात अलग बा कि रउआ ये गांव के बड़ा आदमी बानी फिर और रउआ लोग हमरा के मुखिया बनौले बानी। अब पंचायत के फैसला बा जरा सुन ली। हाँ मुखिया जी, अरे फैसला तो हो चुकल बा। अगर रउआ के शरम आओ था ना तो हमारा से कही हम एक हाथ में कटोरा थमाई। ओके बॉस। आज से तोर भिखारी योग शुरू हो गई बा, हाथ फैलाओ।
घुंगरू राजा राजा रला और राजा ही रही। इला घुंगरू इतो रात में कटोरा जान तरा वर्ल्ड कप के ट्रॉफी खाने लगा था। ला आज से प्रैक्टिस शुरू कर दा, भीख मांगे क्या? एक मिनट हाँ बाबू देखो उन्हें हम अपन हाथ से कर देता नहीं। धंधा अच्छा हो। दे दे राम दिला दे राम बोलते घूमो सुबह। सुना गुरु बाबू, एक महीना तक जितना कमाईबा ना वही में गुजारा करे के पड़ी और ज्यादा चलाकी कैला ना तो तकलीफ बढ़ जाए। गजब के एक्टिंग के लिए बनी मैडम जी। एकदम सही समय पे एंट्री मार के आज हमारी इज्जत बचा लेने। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। एक्टिंग? इसको क्या हो गया? काकी, ए काकी, हाँ? काकी, का भेल के दुआ? पासा पलट गई काकी, पासा पलट गई। राजा भैया बच गई ले, और वो घुंगरू बाला भिखारी बन गए भिखारी। अरे वो कैसे रे? वो राहुल होखे वाले हीरोइन बहु बिया ना, वेन वक्त में आ गेल काकी। सच में? हाँ, रेडियो भैया उनके लेके आवत रहे। ये घर है मैडम जी, आइए। हाँ। काकी बेटा, अपना घर के लक्ष्मी मान के तोहर आरती उतारा दानी। एक उपकार करिहा, हमरा बेटा के कब्बो छोड़ के मत जाइहा। मरते दम तक साथ निभाऊंगी माँ जी, वादा करती हूँ। चला पहले बाया पाँव बढ़ावा। रुक जा, रुक जा। माई ये द्वार पतो होना है कि गृह प्रवेश करा उतारू। ये हीरोइन है, हीरोइन। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ सच में माँ जी की बहू बनने आई हूँ। ये असंभव बा, जितना जल्दी हो सके मुंबई लौट जा। रेडियो जहाँ बोला तरीके के छोड़ दे। ये का बोला था भाई? माँ जी, आपका बेटा तो सच में बहुत भाव खाने लगा है। बेटा लगा था कि तोरा कोनो बात से उनका चोट लागल बा। तब तो लगता है मरम भी मुझे ही लगाना पड़ेगा। जवान हीरोइन भरल पंचायत में रजवा के थप्पड़ मरलस, वो चुम्मा कैसे दे दलस, इस चमत्कार कैसे भइल? बॉस, प्यार में बहुत पावर होला, जब दिल के झटका प्लस माइनस में सटेला तो मिले से मजबूर हो जाला। जे मेहरारू के देह में उपाट देला दर्द, उहे होला असली भोजपुरिया मरद, और रजवा तक खाटी मरद बा। और हम मौका है। बॉस, भीख मांगल जरूरी बा, मौका ना, काल से भीख मांगे के प्रैक्टिस करी। प्रैक्टिस करी, दही सर लगो ले रहे, दही सर लगो ले रहे ना, अच्छा खासा करोड़पति घुंगरू पंडित के, अरे भिखारी बना जाला सल, भीख मंगा बना जाला। क्या मालूम है, राहुल किस्मत इतना फटी चर, बस फटी चर, बाज़। भीखा बा। राहुल ड्रेस। ड्रेस मतलब? अरे तो कहीं ये पहन के भीख मांगो। अरे कौन ना घड़ी में तो से बिया गई। अरे ये दोनों कम रह रहे जब तू हमार दुश्मन। ये यहाँ के राजा साहब के हवेले हुए। अच्छा। बहुत बहुत आदमी काम करत रहे पहले। हाँ। अब तो सब राजपाट खत्म हो गए, तब यहाँ कोई आदमी नहीं थे, बस यहाँ सब लोग घूमे खातिर आवेले। हाँ। रेडियो। हाँ? अरे अब ये कहाँ से आ गई? रुआ राजा खातिर आ गई नी, एकर मतलब ऊपर वाला हमर दुआ कबूल कर लेलन। सच में दीवानापन जब हाथ से गुजरेला तो मोहब्बत के अपन गुलाम बना लेला। कौन है ये? जितना राजा आपसे प्यार करेले
उतने ही राजा से प्यार करेली। पगली है राजा के प्यार में। धीरे धीरे आदत पड़ जाए। अभी कटोरा के जल्दी से आगे बढ़ाई और सुपर हिट भीख मंगा गीत गाई। बॉस याद आ गई। दे दे राम दिला दे राम दे ये बहुत है, पुराना गाना है। अब हम मोहम्मद रफी वाला गाई। जाने वालो जरा मुड़ के देखो मुझे, इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। कैसन गौली है। बस वाह वाह। चला फिर तो तू ही पकड़, कटोरा तू ही पकड़। चला चला जाने वालो जरा मुड़ के दे मुझे। ए बॉस। हाँ। मुखिया जी सजा तोहरा के सुनौले बारे तो भीख हमनी के काहे मांगी। ये पकड़ी कटोरा पकड़ी ना कटोरा पकड़ी ना। चली जाने वालो जरा मुड़ के देखो मुझे। कटा कटा ऐसे भाई भीख ना मिली। भीख दे। अबे आनर बाड़े का मांगे के भी ससुर रंगदारी दिखा रहा बाड़ा। ए बॉस नॉर्मल अंदाज में चली। जाने वालो जरा मुड़ के देखो मुझे। कौन भिखिया का आनंद देते हो रे। चिंता नॉट बॉस, अक्सर भिखारियों के साथ ऐसा घटना घटेला। अरे काहे बात के भिखारी, हमके तो ऐसा लगा था कि आज दिन भर भूखे रहे के पड़ी। बॉस भिखारी जैसे लगतो नहीं के बाड़न। अबे तो बनावा ना भिखारी जैसा, भिखारी कैसा रहा। टूट मेरी बॉस। लगाता नहीं ओरिजिनल भिखारी। चलिए गाना शुरू करी। जाने वालो जरा भगवान के नाम पे दे दो। मुबारक हो बॉस, मुबारक हो। भगवान तो हर भला करे। बॉस अब तो भाभी भी भिखारी समझ ले ली। मुबारक हो। अच्छा कर ये कहाँ जाता रे, अरे हार कब खरीद ले। हा दो कट्ठा बेच देनी। ड्राइवर गाड़ी चलावा। अरे अरे कहाँ जाता रे। धन्यवाद। बधाई हो बॉस। माँ जी आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? वो आ जाएंगे, आप कुछ खा लीजिए ना पहले। कारे तोरे समय के कुछ अता पता बाकी ना। माई चौरा में लील गाय है बड़ी सा। ओके चलते हम चल गए यहाँ खेत में। हमार बहुत दिन भर से बिना खेले पीले तो राह गोरा दिया। तू एकरा बारे में काहे नहीं खा सोचत। आपके लिए खाना लाओ। माई इनसे बोल दे सूरज निकले से पहले यहाँ से चल जिए। खुशी किस्मत बनाल चाहता हमार बेटा ओके ठोकर मारता। अभी तक ले तू गयलू ना। हाँ? जिसके लिए मैं अपना सब कुछ छोड़ के आई हूँ अगर उसी को छोड़ दूंगी तो मेरी तो जान ही निकल जाएगी। अगर तू यहाँ से ना जाए बुना तो हमार जान निकल जाए। इका तो बगदून कहले बाड़े रे पगला। अरे तोहरा खातिर एक कितना बड़न त्याग करके आयल बाड़ी, तू ये बात के बुझत काहे नहीं खास। ये तो हम नहीं की चाहत माई कि हमरा खातिर कोनो प्रकार के त्याग करस। कैसे कि ये वो सुपरस्टार हीरोइन है, बेहतरीन कलाकार है और कलाकार के खुशी प्रसिद्धि से मिलेला और हम इनकर खुशी छीना लेके चाहत, स्वार्थी बनल लेके चाहत माई। जहाँ प्यार होला ना बेटा
वहां स्वार्थ के कोनो निशान तक न होला। माई हमर प्यार ना भरम बड़ी। आखिर तू कहल का चाहता रे? माई हम निशा से प्यार करी ले और वह तुहार पतोह बनी है। ऐसा नहीं खे तहरा मन में कहीं न कहीं हम जरूर बानी। बताओ काहे बोली ले बड़ा ई तोहफा कबूल करा। एमे हमर दस्तानी मोहब्बत बा पढ़ लिया। और हाँ उम्मीद बा कि तू हमके जरूर अपना लेबू। रह चिरकुट रह काम उसका नहीं होला तारी तनी आवाज छे मार दूर मर दे। भूख के मारे पेट में चूहा कूदता और तोहरा काम सुझता। अरे लेकर जानवर बका यार। अरे अभी बर्दाश्त के गोली खो तब तक ले माई खाना लेके आ जाए। माई ना भौजाई लेके आवा तारी ओने देखा। प्रेम से बोलो भैया भौजी की जय। देखा तो हम राउर में रहूं जैसे लागत बाड़ी ना। मैडम जी लागे में और होखे में बड़ा अंतर होला। तो कहे ना ये अंतर के समांतर कर देते हैं। काजल काजल बेटा कोनो सपना देखत रहलू का? हाँ माँ जी आज समझ में आया। जब सच्चा प्यार हो जाता है तो मन सपने से जाने लगता है। का भेल बेटा? कुछ ना माई तू ले जा अंदर हम ना जाए। का है? माई हम तो तोहर खाली मन रखे का त्याग नहीं ना तो हमार मन ना रहला। तू तो बोलत रहला पहले कि काजल के साथ है तू ऐबा भगवान के दर्शन करे। अब तो काजल में साथ में बाड़ी ना बेटा। माई गलत फहमी में गलती हो गई। ज्यादा जिद मत कर चल चल अंदर। रहने दीजिए माँ जी पूजा पाठ में किसी से जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। चलिए राजा। हमार पूजा तो हो गई। हमार भगवान मंदिर के बाहर बैठा गई ले। निशा इगुआम इंसान के भगवान मत बनाओ न तो ये दुनिया तो के पागल गई। पागल तो हम हो गए नहीं तहरा प्यार में। आई लव यू राजा। ए बबुनिया अरे जल्दी से कुछ खा के ले आओ पेट में भूचाल आवता। ए मुनिया ले आओ ले आओ। बताने बाबूजी हां ले आओ ले आओ। अरे ले आओ ना। नमस्ते मुखिया जी। अरे नमस्ते नमस्ते। का हो राजा के भाई हीरोइन पतो पाके पूरा गांव जवार में बड़ा फेमस हो गेल बाड़ू। अरे शादी के लड्डू कब खियेबू? लड्डू में मिठास शक्कर से आवेला मुखिया जी। बाकी रहा और बेटी ओ में नमक मिर्चा डाल रहल बाड़ी। बेटी ई का कहतड़ी? युग युग से लोग प्यार के दुश्मन रहल बा बाबूजी। ओही में से ही हमर सासू माँ बाड़ी। सुन लेनी कितना रोआब से ई रिश्ता जोड़ रहल बाड़ी। अरे ई हमार बेटा के मती मार ले ले बाड़ी। तनी अपनी बेटी के समझाई हमरा बेटा के प्यार इतना पवित्र बा कि काजल जैसन हस्ती अपन सब कुछ छोड़ के हमार बहू बने खातिर आ गईली। ओकरा बिना ही मर जाई मुखिया जी। और हमार साथ बिना राउर बेटा जी ना पाई। ई तो हर भ्रम बा निशा।
हमरा बेटा के जिंदगी के सहारा हमार काजल बाड़ी। हम तो हर आगे हाथ जोड़ा तानी निशा, हमरा राजा के भुला दा तू। माँ जी रहने दीजिए, मेरे लिए आपको किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर राजा मेरे नसीब में होगा तो हम दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए यहाँ से। चला चलिए। बॉस खाम में आई थी के भीख मंगला से अच्छा बात कि रोज मंगरुआ के मुर्गी फार्म हाउस से एक एक मुर्गा चरा के खाइल जाए। मेरो से यारी मत मारा है? पता चल गया क्योंकि ससुर कपारे पे अंडा फोड़ फोड़ के मुआ दिए सन। डोंट बी वेरी बॉस, तीन तीकड़ महाबीकड़। अरे जब केहू से बतौले न जाई तो कैसे पता चली। अबे अब तोरा पे कवन भी बता दे। मंगरुआ के पता बा कि मुर्गा के चुरावले बा। कैसे? अरे मुर्गवा चुरावे बदे हम वही से खांची मंगले रहनी ना। अक्सर दीपक भाई मुखिया जी, ये सबन हमार मुर्गा के नू चोप के पका के खाए जाता हूँ सन, यानी के छोड़ी मत। चिंता मत कर मंगरू, सजा मिली। ये मुर्गी चोर के सजा मिली है। घुंगरू हमार बात कान खोल के सुन ल, तोहरा के एक महीना और भीख मांगे के पड़ी। गलत बात है, ना इंसाफी बा मुखिया जी, ना इंसाफी बा। ये है इंसाफ है। ए मंगरू मुर्गा का उठाओ। तो हर मुर्गा के अपन हाथ से अंतिम संस्कार कर उठा दे। थोड़ी सा दे दी। अरे एकदम निर्दयी बारे उस्ताद, मुखिया वा ताइसन सजा सुनावता जैसे लगा था कि खैरात बांटा था। एक महीना और भीख मांगा और कुल मुर्गवा भी अकेले खा जाए मुखिया वा। सब सुन तो चलते भाई बगला एक कार है। अरे जकरा घर से मुर्गी चुराउले ओही से खांची मांगे चल गेल। कूल डाउन बॉस, कूल डाउन। रउआ पे हो रहा अत्याचार के असली कारण राजवा। हे बॉस, राजवा के कौनो न कौनो बंदोबस्त करे के पड़ी। अब यह सोचिए साहब, सोच में सोच ले ली उस्ताद। हमरा पास एगो ऐसा लड़ाकू विमान बा जो रजवा के हड्डी के सूरमा बना के राउर आंख में लगा दी। ओकर नाम बा ब्रूसली। ब्रूसली? ब्रूसली? अरे धनियापति तो बुला गई नहीं यार। कौन बात नहीं यार, फिर बाद में ले लिया ही ना। अरे तो फिर आवे का पड़ी यार। अरे दुनिया सीधा चले ना, ये सब काहे उल्टा चलता। ये तबला कहाँ पर है तुम्हारा आइटम? देख ना समनवा, आ गई हमार ब्रूसली। रे पैदावार तो इंडियन लगता, लेके रहन सहन इंडियन नहीं खे बुझात। लागत चाउमीन चाप के खा ले बा। यही से चाइनीज मिर्गी उपटल बा कंकाल तंत्र के। नो कंकाल तंत्र, हां मैं ब्रूसली। ब्रूसली ब्रूसली चिंग चांग चे चाय। आबिले सुन भोय भोय। भोय भोय अभी देख हमार कहाँ कहाँ घुसता। निकल चला। जब एगो हिंदुस्तानी के बर्दाश्त होत नहीं खे पाए ना तो चाइना कह लेता इंडिया के बायना। अरे कैसे घुसा रे? घुस बैठे
यहाँ कैसे घुसा? जब घुसिए गया है तो चल तोरा कैसा जगह घुसाओ तनी कि फिर दोबारा बहरी ना आइबे। आओ वाह, तू तो ब्रूसली के चुसली बना दे है। नहीं यार, हम रही समझ में नहीं क्या कि हमार दुश्मन चाइना में पता नहीं कहाँ चले गए। क्या हुआ माजी, राजा का कुछ पता चला? ना बेटा, हर जगह खोज के आ गए, नहीं राजा के कहीं पता नहीं चला। चारों धाम तो माई के चरण में बा, दुनिया भ्रमण तो आदमी के भरम बा, ऐसा उच्च विचार रखे वाला राजा भैया ये समय निशा के कोरा में बैठ के ताड़ी पिया था। कहाँ बा? मुखिया जी के घर में। मुखिया जी तो पटना गई बाड़ा, पूरा घर खाली है बा, वही में खेलत कूदत बा लोग। आज होकर सारा खुमारी हम निकाल दे। चल रुके माँ जी, ये मामला दीवानापन का है और इस दिल लगी से मेरा दिल ही निपटेगा। रेडियो फॉलो मी। एकदम ओरिजिनल ताड़ी बुझाता, मिजाज टन टन आए लगल, आँख सहरी आए लगल। हमरो मन नसी आए लगल राजा। ये क्या हो रहा है? ये क्या डर ले? हम की तो तहरा अलावा कुछ लोगत नहीं की डार्लिंग। अच्छा, अभी बता दे। समाचार समाप्त हुए, अब देखिए रंगारंग प्रसारण। ऐसे ना एक बार गई नी जी, ठीक माना गोड़ लगाता नी, गोड़ लगाता नी। एक काकी बहु कुछ छुट्टा पैसा होके तो निकाल के भिखारी के दे दा। आईनी ना गई नी फलाना मौका है नी तो हार बेटा रजवा निशा के साथ लहर लूटता। आ इनके बहू कहता रू ये बोस, जैसे बिना पानी के मछली तड़फे ले वैसे बिना मेकअप की हीरोइनिया तड़पती है। जितना दिल तड़पता है मोहब्बत उतनी गहरी होती है। मोहब्बत इतनो गहरी मत करी है कि मौत से मोहब्बत हो जाए। अरे डार्लिंग, रजवा में ऐसा का रखा लो, अरे हमार हाथ थाम लाओ। बाप दादा का छोड़ल करोड़ों को जायदाद बा, दिन में होली और रात में दिवाली मना दे। जो दूसरों की कमाई पे जीता है वो मर्द नहीं मौगा होता है। चला बहु, चलिए माँ जी। बॉस, इधर हुआ पे चुल्लू भर पानी में डूब मरे वाला इल्जाम लगा गया। अपना साथी बिस्तर पे सुता के बेइज्जती का बदला ले। ये को मौका बाय बॉस। का रजवा बथानी में सुते जाला, तब तक हो पाई जाए सरवा। हाँ हमारे बोस, शिकार सामने बा, परम बाबा के नाम लेके हमला बोल दी। ठीक बा, धोनी यही रुका। ओके बोस, बोस, बेस्ट ऑफ लक बोस। यही बोस। बाप दादा का छोड़ा करोड़ों को जायदाद बा, दिन में होली और रात में दिवाली मना दे। जो दूसरों की कमाई पे जीता है वो मर्द नहीं मौगा होता है। अरे बुढ़िया, अरे बुढ़िया, अरे बाप रे बाप, बुढ़िया।
डॉक्टर साहब, हमर भाई कैसे बड़ी? बहुत ज्यादा ब्लड बह चुका है, फौरन में ब्लड चलाना पड़ेगा वरना कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपको जितना ब्लड चाहिए उतना दे दीजिए, पैसे की चिंता मत करिए। बात पैसे की नहीं है मैडम, एबी नेगेटिव ग्रुप का ब्लड हमारे ब्लड बैंक में मौजूद नहीं है। एबी नेगेटिव? डॉक्टर साहब, एबी नेगेटिव हमारा ब्लड बा, हमारा खून के कतरा कतरा खींच ली, लेकिन हमारे माई के बचा ली। डॉक्टर साहब आइए। राजा, तुमने आने में बहुत देर कर दी है, पहले आते तो शायद मैं तुम्हारी कोई मदद भी कर पाती। मतलब? मतलब यह राजा कि सारी रिपोर्ट आने के बाद ये पता चला है कि आपको ब्लड कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज पर। ब्लड की व्यवस्था कर लीजिए डॉक्टर साहब, लेकिन मेरी माँ को बचा लीजिए। आपका दिमाग ठिकाने है कि नहीं? माँ की हालत सीरियस है। कुछ नहीं होगा मेरी माँ को, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब व्यवस्था करिए ना ब्लड का। मुश्किल है भाई, इतनी रात हो चुकी है, एबी नेगेटिव ब्लड ग्रुप यहाँ इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, ये देहात है। तो आप मुझे पता बता दीजिए, मैं लेकर आ जाता हूँ। आप ब्लड देंगे कि नहीं? नहीं दूंगा ब्लड। अभी तो माँ को सासू बोलती है ना, आप काहे नहीं दे देती है ब्लड? वाह, क्या खूब निभा रहे हो बेटे होने का फर्ज। तुम्हारे जैसे बेटे को पैदा करने से तो अच्छा है कि माँ अपनी कोख में ही उसे मार डाले। डॉक्टर साहब, मेरा ब्लड ग्रुप भी सेम है, आप मेरा ब्लड ले लीजिए। इन्होंने तो अपना बेटे होने का फर्ज नहीं निभाया, लेकिन मैं अपना फर्ज जरूर निभाऊंगी, क्योंकि मैंने भी उनको अपनी माँ माना है। चलिए आइए। ससुरा का समय आ गई बा, मुर्गा मछली कबो दर्शन नहीं के होत, खाली लिट्टी चोखा खुसे के पड़ता है। अरे मटका, हैं? ते जरला पे नमक काहे छिड़कता रे? अगर हमार खोपड़ी सटा गेल न मटकू तो हर खोपड़िया फोड़ दे। ए बॉस, बैठ के। ए बॉस, अपने दिमाग में ना टेंशन के कुटा ठोक ली, काहे की रजवा के माई अस्पताल से डिस्चार्ज होके आ गेल बिया। अरे बाप रे बाप, बॉस अंडरग्राउंड हो जाई, कहीं रजवा के माई पहचान लीस तो मुखिया ना पूरे गांव के लैट्रिन साफ करे के सजा सुनाई। अब इतना बड़ा खोपड़ा लेके घूमत आ रे, तनी अकल लगाओ पगले। अगर रजवा का माई हमरी के देख ले ले रहत ना, अबले सारे सारे गांव में घूम के हल्ला कर देबे। चोखा बनाओ। राइट बॉस, राइट। चोखा बनाओ नहीं तो राम कर देब। माई और दवा खा ले। माई माई और ना दवा खा ले। माई ले जाके दवाई फेंक दे, हमरा के जहर लाके दे दे। वैसे भी काजल ना रहती ना, तब तक तो तू हमार चिता जला दे ले रहते। शर्म आवता हो अपना कोख पर। ऐसे मत बोल भाई, ऐसे मत बोल, लेकिन दवा खा, खा बेटा अपन जान तक दे दे। फालतू बकवास मत करो। जिस आदमी ने अपनी माँ की जान बचाने से इनकार कर दिया, वो क्या अपनी जान देगा? माँ को धोखा मत दो, नहीं तो जिंदगी नरक बन जाएगी। अच्छा माँ जी, कोई गलती हुई है तो माफ कर देना। कहाँ जाता रू काजल? हमेशा खातिर मुंबई। जो इंसान अपनी माँ का नहीं हो सका, वो मेरा क्या होगा? जिस राजा से मैंने प्यार किया था वो शायद मर चुका है। अच्छा मासी, राजा रोक ले काजल के।
के अपना दुनिया में जाए दे माई नहीं ते दवा खा तू ही दवाई खा रुका काजल 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 रुका बेटी रुका बेटी राजा को क्या हुआ है आप लोगों को नहीं पता क्या लगता है राजा आप लोगों की खुशियों में इस कदर खो गया कि अपनी बीमारी के बारे में बताना ही भूल गया कैसन बीमारी डॉक्टर साहिबा राजा को ब्लड कैंसर हुआ है नहीं डॉक्टर ये नहीं हो सकता छोटा मत करा बेटा हमारे राजा की कुछ नहीं के भाई डॉक्टर झूठ बोला दिया डॉक्टर साहिबा एकदम सच कहता निका की हाँ राजा के कैंसर के बीमारी बाप हाँ काकी और ये बात हमरा साथे साथ निसाओ मुखिया जी भी जानता नहीं हाँ काकी जेकर खून में कैंसर के खून लग गए होके वो अपन दुश्मन के भी खून ना दे सकेला रउआ तो बता रही है राजा रउआ के खून कैसे दे सकेलन कोनो बात अपन बेटी के बेइज्जती ना बर्दाश्त कर सकेला बाकी बाकी राजा के खुशी के खातिर हम सब कहेंगे राजा के उहे दिन भूला गई नी जिये तू ही आ गई लू आज भी राजा के मन में तोहरा खातिर प्यार भरल बा लेकिन जे खुद मौत के मुंह में खड़ा बा वो कैसे केहू के उसे दे सकेला हम तो नाटक करत रहनी प्यार के ताकि तोहार दिल टूट जाए ताकि तू यहाँ से राजा से नाता तोड़ के चल जा मेरा दिल समय का शीशा नहीं है जिसे तकलीफें तोड़ देगी मेरा दिल मोहब्बत की वो चट्टान है जिसे मौत भी टकराएगी तो अपना दम तोड़ देगी बॉस उठी ना बॉस ए भिखारी उठना अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा मौला के नाम पे दे दे बाबा जिंदगी भर भिखी है मत बका अरे हमके भिखारी बना के तोनी ऐस कर दा अरे किसी यार काहे बड़ा घेड़ा अरे हमनी के खुशखबरी के बकिया उधरे तरे निशान कैसन खुशखबरी बा अरे रजवा के ब्लड कैंसर हो गइल बा उ हॉस्पिटल में भर्ती बा ब्लड कैंसर हो गइल बा इतना बड़ खुशखबरी और खाली हाथ सुनाओ दरअसल मिठाई उठाई डाले गईला जो मैं 5 किलो लड्डू 5 किलो पेड़ा और गुलाब जामुन 5 किलो बर्फी 5 किलो बालू शाही मतलब बस 5 महीना ले भीख मंगबा तब वो 5 किलो के दाम न जुड़ी
चल कौनो बात ना बाबू, ऐसन खुशखबरी सुनौला हसन। अब तक गुलाब जामुन ना, अब तक कजरी के गाल का गुलगुल्ला और होठ का रसगुल्ला खाई। भले ही 5 कट्ठा बिका जाए था। बॉस गाहक फिट करने का। माई हो के अपना बेटा के दुख दर्द ना समझ सकनी, बहुत अफसोस बा बेटा। ए माई अपना बेटा खाते कसाई कैसे हो गई, हमरा के माफ कर दे बेटा। अनजाने में बहुत भला बुरा कह दे रही तोरे के हम, जिसके लिए सब छूटा वो रूठा तो रब रूठा। अगर ऊपर वाले ने हमें साथ जीने का मौका नहीं दिया तो मौत के बाद हमारा मिलन जरूर होगा। मौत कभी मोहब्बत से जीत नहीं सकती। मैं वादा करती हूँ जब तक मेरी सांसें चलेगी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। काजल जी, राजा की तबीयत बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच चुका है। 2 दिन के अंदर बोन मेरो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 20 लाख रुपए जमा कराने होंगे। जितनी जल्दी आप पैसे जमा कर देंगी राजा का इलाज उतनी ही जल्दी शुरू हो जाएगा। याद रखिए, इलाज में जितनी देरी होगी जान बचाना उतना ही मुश्किल होगा। इतना पैसा के कहां से इंतजाम हो बेटा? हाँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ करती हूँ। हेलो। हेलो चाचा जी, काजल बोलो छु। मैं नागेश भाव बोलतो रे बाबा। चाचा जी है? अरे बाबा, वो तो मुझको बंगला बेच के कब से यहाँ से फूर हो चुका है। उनका कोई दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर होगा तो दीजिए ना प्लीज। नको रे बाबा। सर आपका फोन। किसका फोन? हेलो, कौन? सर काजल राघवानी बात कर रही हूँ। ओह, क्या बात है काजल जी? मैंने सुना है कि प्यार मोहब्बत में लोग धन दौलत बर्बाद करते हैं, आपने तो अपना पूरा करियर ही बर्बाद कर लिया। सर, प्यार में बर्बाद वही होते हैं जो अपनी दुनिया को आबाद करने का हौसला रखते हैं। ओह, बहुत खूब। सर मुझे अर्जेंट 20 लाख रुपए चाहिए, इसके बदले मैं आपकी 10 फिल्म ऐसे लीड करने को तैयार हूँ। एज ए हीरोइन? अभी भी आप हीरोइन का ख्वाब देख रहे हैं? अब तो आपको भाभी का भी रोल मिल जाए तो शुक्र मनाइए। हाँ, तो भाभी से याद आया कि मेरे नेक्स्ट होने वाले प्रोजेक्ट में एक सेक्सी भाभी का कैरेक्टर है, अगर तुम उसे करोगे तो मैं 10,000 रुपए दूंगा। हेलो। हेलो मोहिनी, काजल बात कर रही हूँ। ओ माय डार्लिंग, माय बेबी, कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें कितना फोन किया लेकिन तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा है। वो मेरा नंबर चेंज हो गया है। अच्छा, तुमने तो बस नंबर ही चेंज किया है लेकिन मेरा तो पूरा लाइफ ही चेंज हो गया है यार। मैंने जिसको अपना बनाने का फैसला किया था वो शातिर वो लुच्चा मुझे छोड़ के रफु चक्कर हो गया। मुझे उसने एक एक रुपए के लिए मोहताज कर दिया। बस देसी दारू और बीड़ी से काम चला रही हूँ यार। तुम मेरी मदद करो ना प्लीज बेबी, टेल मी बेबी। का भेल बेटा? माजी, विपत्ति पड़ने पर जैसे राजा हरिश्चंद्र के हाथ से आग में पकाई हुई मछली भाग गई थी, उसी तरह
आज मेरे सारे अपने मुझसे दूर हो गए हैं। मेरे पास सिर्फ 5 लाख है, 15 लाख का और इंतजाम करना पड़ेगा। तू चिंता मत करा बेटा, हम कुछ उपाय लगा बतानी। 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। नमस्ते लाला जी। बैठा बैठा राजा के माई, सुन ली है राजा के ब्लड कैंसर के बीमारी हो गई बा। ओफ 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 ओफ, भगवान कबो कबो एकदम अति कर देवेला। इतना भारी बीमारी गरीब आदमी का लगा दिला। होने के केहू न टाल सकेला लाला जी, ये हमरे जमीन जायदाद के कुछ कागज हा, एकरा के गिरवी रख ली, हमरा के 15 लाख रुपया दे दी लाला जी। 15 लाख? 15 लाख का करबू? वही अमराज से हमरा बेटा के परान खरीदे के बा लाला जी। देखा हम बहुत व्यवहार से धंधा करी ले, लेकिन व्यवहार के कबो धंधा में ना घुसे देवेली। ये तो हर जमीन के कीमत कुल घींच घाच के 8 लाख रुपया भई, और हम 8 लाख से 1 रुपया अधिक ना दे पाए। ऐसे मत बोली लाला जी, हमारे इकलौता बेटा बा, हमार जिए के सहारा, हम जिंदगी भर राउर गुलामी करब। देखा, गुलामी करे के उम्र तो हर खत्म हो गई। बाकी 8 लाख रुपया तो हर बा लेवे के होके त ले ला, और नहीं तो अपने रास्ते। पैसा के इंतजाम हो गई भौजी, पैसा के इंतजाम हो गई। बोलत काहे नहीं को, पैसा के इंतजाम हो गई। अब राजा बच जाई, हमारे यार बच जाई, हमारे यार बच जाई। काकी हमारे यार, डॉक्टर डॉक्टर, 13 लाख का इंतजाम हो गया है, बाकी का 7 लाख मैं बहुत जल्दी जमा कर दूंगी। सॉरी मैडम, जब तक आप पूरे पैसे जमा नहीं कर देती हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। रुक जाइए डॉक्टर साहब, कुछ तो दया करी। सॉरी मैम, आई एम हेल्पलेस, मेरे भी ऊपर लोग हैं। सॉरी मैम, प्लीज डॉक्टर। काकी, मुर्दा का कफन बेच के खाए वाला के तोहार दर्द ना बुझाए। चिता पे लेटल इंसान के बचावल बहुत मुश्किल काम बा। हमार फूटल भाग के तू यहाँ और फोड़े आ गईला। गलत समझता रू, हम तोरा बेटा के मरे से बचावे आइल बानी। कितना पैसा कम पड़ा था? 7 लाख। है चला। यस बॉस। काकी के साथे जा लोगन, अजा के 7 लाख रुपया जमा करा दा। ओके बॉस। लोग ठीक कहे ले, दुश्मन भी भगवान के रूप में आ जाले। चल बेटी। काकी, और तू यहाँ तो छोड़ जाएगी। ए, तू लोग जा रहे काकी के साथ? ओके बॉस। इनसे कुछ जरूरी बात करेंगे। चली, चली, कांग्रेचुलेशन बॉस। चली। जा तू सतवा, जा खड़ा का बड़ा जा, मुंह लेके मरतवा। मौगा ले मुंह लटका के निकला, जा वो बचाओ अपने दोस्त का जान। मेर सोचा मत है बबनी, खाली तोरा के भोगे खातिर 7 लाख रुपया स्वाहा करे जा रहल बानी। मतलब? अरे दीवानो, मुझे पहचानो, मैं हूँ खुंगरू, और ये खुंगरू खाली एक रात अपना बिस्तर पे तोरा साथ है बचल चाहता। खुंगरू, खुंगरू, कूल बेबी कूल, चिल्लाइए नहीं, मुस्कुराइए। काहे कि अगर हमको गुस्सा आ गया और हम डॉक्टरवा से 7 लाख रुपया वापस ले लिए ना, तो रजवा का लाश अपना कोरा में रख के सती होना पड़ेगा। इतना परेशान काहे हो रही है? अरे एक रात का बात है और एक बार का बात है, तनी हमरो ललसा पुरा दीजिए ना, है? उसके बाद कौन रोका है? बनाइए रजवा के साथ जाके फिल्म, आराम से गाना गाइए, है? प्रेम विवाह। शायद तुझे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ, पर ना आज तू जिस्म का सौदा नहीं करता, जानवर है तू। अगर इंसान होता तो आज इस मिट्टी की पुतली को खाने के लिए इतना नहीं मरता। हाँ ठीक है, हम जानवर ही सही, लेकिन सनम तुम्हारे आशिक है। अब सोच लो कि तुमको
हमारी चाहत की चिता जलानी है या अपने आशिक की? लेकिन तुम्हारे पास ज्यादा टाइम है नहीं। डिसीजन तो काजल मैडम आपको फटाफट लेना होगा। अगर मेरा जिस्म बिकने के लिए ही बना है तो मैं इसे तुम्हें जरूर बेचूंगी। अरे ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया, ले जाएंगे, ले जाएंगे। राजा, मेरी आखिरी इच्छा ये थी कि आपकी आंखों में आंसू कभी ना देखूं, लेकिन कमबख्त जिंदगी ही बेवफा निकली, आखिर रुला ही दिया मेरी मोहब्बत को। नहीं राजा, आपको कुछ नहीं होगा, यमराज के हलक से भी मैं आपकी प्राण छीन के ले आऊंगी, लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगी। तोरा कुछ ना होए हमार लाल, कुछ ना होए। चलो फास्ट।